हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ रामायण का आगे का भाग। सुनना पसंद है ना, तो सुनिए जरा आगे क्या हुआ। राम जी विश्वामित्र के पास थे, सीता जी थी जनकपुर धाम में, हो गई थी शादी के लायक। जनक जी ने भी एक आइडिया लगाया कि क्यों ना करा जाए सीता जी का स्वयंवर, जहाँ आए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े ही बड़े योद्धा। और स्वयंवर की क्या शर्त थी? क्या थी, सोचो सोचो। शर्त थी शिव धनुष को उठाकर उस पे प्रत्यंचा चढ़ाना। क्या चढ़ाना? प्रत्यंचा, वो भी शिव धनुष, जिसको कोई नहीं उठा सकता था। राजा जनक ने हर तरफ इनविटेशन बटवाया। जहाँ वो इनविटेशन गया ऋषि विश्वामित्र के पास भी, तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को भी लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। और बड़ा सा भवन सजा हुआ था, वहीं सारे राजा, सारे महाराजा और सारे क्षत्रिय आए थे। और वहीं आए थे दो राजकुमार, राम और लक्ष्मण भी, दोनों और सारे के सारे आसन पे विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए थे। बड़े ही बड़े राजा आते, शिव धनुष को उठाने की कोशिश करते, ये उठाया ये उठाया, पर टस से मस नहीं कर पाया कोई। ये बड़े बड़े और राजा आते, ये आते, मैं उठाऊंगा तो मैं उठाऊंगा, आके उठाते, नहीं उठा पाते, उनकी तो पसीने ही छूट गए। फिर क्या होता, रावण इस बीच में आया, राक्षस रावण। उसने भी बहुत कोशिश करी कि शिव धनुष को एक हाथ से उठा लूं। पहले तो आया एक हाथ से उठाने, नहीं ला, दूसरा हाथ भी लगाया, शरीर का सारा जान लगा दिया, उठा ही नहीं। अब भाई ऐसे अहंकार में उठाएगा तो कैसे उठेगा? राजा जनक जी को क्रोध आया, इस राज्य में ऐसा कोई नहीं कि इस शिव धनुष को उठा सके, क्या मेरी पुत्री कवारी रह जाएगी? जिस पुत्री ने बचपन में नन्ही उंगली से धनुष को उठा दिया था, तुम में से कोई भी नहीं उठा सकता क्या इसको? सारे सोच में पड़ गए। वहीं लक्ष्मण जी खड़े उठे, महाराज आप ऐसे क्यों बात करते हैं? अभी आपने सभी वीरों को चांस कहाँ दिया है? वहीं मेरे बड़े भ्राता श्री श्री राम क्यों नहीं उठा सकते इसको? आप अवसर तो प्रदान करिए। राजा जनक जी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, बुलाओ अपने भाई को, उनको भी देख लेते हैं जरा। श्री राम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर और अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खड़े होकर प्रणाम करते हैं धनुष को और भगवान शिव जी को। फिर वो आते हैं सीता जी की तरफ, प्यार से मुस्कुराते हुए देखते हैं, सीता जी भी शर्मा जाती है। वहीं राम जी प्रयास करते हैं एक हाथ लगा के, फिर दूसरा हाथ लगा के, ये उठा के उठा दिया, ये क्या हुआ, राम जी ने तो धनुष उठा दिया। तालियों की आवाज से पूरा राज दरबार गूंजने लगा, वाह 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 होने लगी। राम जी वहीं प्रत्यंचा के डोर उठाते और ये धनुष पे लगाने ही जा रहे थे कि धनुष मुड़ के टूट गया। ये क्या हुआ, धनुष भंग हो गया। वहीं एक ऋषि की चिल्लाने की आवाज आती है, ये किसने किया, किसका इतना दुस्साहस कि शिव जी का धनुष तोड़े? पता है कौन थे? भगवान परशुराम। राम नहीं, परशुराम, वो भी एक महान क्षत्रिय थे, भगवान थे। गुस्से में आते राज दरबार में, किसने तोड़ा मेरा शिव धनुष और महादेव का आशीर्वाद? उसके आगे पता है क्या हुआ? नहीं बताऊंगी, आगे की कहानी आगे पार्ट में सुनिएगा। तब तक के लिए भाग रामायण सुनते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते हैं। आगे की कहानी दोबारा लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।